हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैच नंबर 43, जो कि सनराइज़र हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर्स के बीच में है। वो आईपीएल ने सो आईपीएल रियल क्रिकेट 20 गेम का नाम है। और चलिए इस मैच को शुरू करते हैं। हेड्स का कॉल देते हैं हम लोग। हाँ, हेड्स का कॉल देंगे। ओहो, टेल से ना था, टॉस की तरफ बढ़ गए हम लोग। यहाँ पे देखते हैं टॉस कौन पहले जीतता है। यहाँ पे हम लोग टॉस जीते और पहले बॉलिंग करना चाहेंगे, क्योंकि और ये हैं 8 प्लेयर जो कि आज के मैच में खेलेंगे। खरीद अहमद से कराएंगे शुरुआत। अंपायर आ गए, फील्डिंग साइड आ गई। यहाँ पे पार्थिव पटेल, इरन फिंच, खलील अहमद, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, लेफ्ट हैंड बैट्समैन पार्थिव पटेल। वन टॉस, बैट फर्स्ट, बॉल फर्स्ट, सॉरी। यहाँ पे हम लोग कराएंगे इन स्विंग। और रह गई है फील्डिंग में करना बदलाव। बस 6 रन पड़ जाए इस गेंद पे, और पड़ गया है 6 रन। जैसा कि हम लोग देखते हैं हर मैचों में 6 रन पड़ना ज़रूरी होता है, बिना 6 रन के शुरुआत अच्छी नहीं होती सुपर ओवर की। यहाँ पे कब इस पार करेंगे हम लोग फील्डिंग में, नॉर्मल 3 फील्डिंग लगाएंगे और साथ में करेंगे एक्सपेरिमेंट इन स्विंग के साथ। और ग्रिल लाइन से रखिए दूर और देखते हैं इस गेंद पे क्या होता है। और 1 रन मिला है इस गेंद पे, सही से बल्ले पे ले नहीं पाए थे लेकिन मिला है रन। और यहाँ पे कराएंगे हम लोग स्ट्रेट बॉल एरन फिंच के पैरों पे एकदम। और यहाँ पे आगे की तरफ खेला है और 6 रन बटोरा है। 3 गेंदे, 13 रन हो चुके हैं यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के। यहाँ फिर से कराएंगे लेग कटर और हुप शॉट खेलने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज, पक्का ही हुप शॉट खेलेंगे। यहाँ पे हुप शॉट तो नहीं खेला लेकिन चौका 1 रन जरूर बटोरा है। इसी के साथ पहुँचे हैं 4 गेंदों में 14 रन। खलील अहमद बहुत अच्छी गेंदबाजी करा रहे हैं, डॉट करा रहे हैं गेंदों को, डॉट नहीं करा रहे हैं, डॉट नहीं करा सकते हैं लेकिन अच्छी करा रहे हैं। तो भी यहाँ पर कराएंगे आउट स्विंग हम लोग, विकेट लेना चाहेंगे। यहाँ पे ग्रीन लाइन पर रखी भी है और यहाँ पे चौका पड़ता हुआ। 5 गेंदों में 18 रन पे पहुँच गई हैं टीम, और 25 रन का टारगेट हो सकता है इसमें। यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे वाइड यॉर्कर की, आउट स्विंग की, बस वाइड ना हो। और यहाँ पे ग्रीन लाइन से रखी है दूर और इस गेंद पे पड़ना है 6। तैयार है बल्लेबाज और गया है 6 और इसी के साथ पहुँच गया है सीधा 24 रन पे स्कोर। और हमें 25 रनों का टारगेट मिला है और सारे प्लेयर जाते हुए पवेलियन की तरफ। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा इस वीडियो को और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और हैदराबाद हीरोज 25 रन को चाहिए जीतने के लिए। डेविड वार्नर, जॉनी बेस्ट्रो आएंगे बल्लेबाज करने। यहाँ पे अंपायर्स फील्डिंग साइड, उन्हीं के पीछे डेविड वार्नर, जॉनी बेस्ट्रो आते हुए, डेल स्टेन राइट आर्म फास्ट कैटेगरी बॉलर, डेविड वार्नर लेफ्ट हैंड बैट्समैन। यहाँ पे फील्डिंग पूरी सामने की तरफ खुली हुई है और यहाँ पे हम लोग सामने की तरफ खेलेंगे भी फ्रंट फुट पे और बटोरना चाहेंगे 6 रन। और डेल स्टेन दौड़ते हुए और यहाँ पे पड़ता हुआ 6 रन सीधा डेविड वार्नर के बल्ले से। यहाँ पे अंपायर की तरफ से मिल चुका है हमें 6 रन। और लास्ट टाइम मैंने भी देखा था बेंगलोर भी 6 रनों के साथ शुरुआत किया था, फील्डिंग में बदलाव था एरन फिंच द्वारा। फिर से हम लोग सामने की तरफ खेलेंगे, स्ट्रेट शॉट है यहाँ पे, ये आ गए दौड़े 6 रन गया सीधा, बैक टू बैक छक्के लग चुके हैं यहाँ पे। और लास्ट टाइम मैंने देखा था कि 1 रन मिला था बेंगलोर को और 6 रन मिल चुके हैं हमें। वापसी कर रही है, यहाँ पे फील्डिंग में बदलाव, फील्डिंग पूरी खोल दी गई है, 4 गेंद में बचे ये 13 रन आपको। यहाँ पे हम लोग कौन सा शॉट खेलें समझ में नहीं आ रहा है, यही वाला शॉट खेलेंगे लेकिन हो गई है डॉट। 1 रन से हमें करना होगा संतुष्ट। अब हमें चाहिए 3 गेंदों में 12 रन और फील्डिंग खोलने पे बहुत हमारी मजबूरी हो जाती है, सामने की तरफ खुली हुई है फील्डिंग बस।
डॉट हो गई है गेंद, अब दो गेंदों में बस 12 रन चाहिए, छक्के लगे तभी हम जीत सकते हैं, नहीं तो जीतना मुश्किल है। फ्रंट फुट पे खेला, चौका बटोरा, एक गेंद कहीं से ना कहीं से वाइड हो जाती तो हम लोग वापसी कर सकते हैं, लेकिन 25 रनों का, इसके पहले वाले में जो रिकॉर्डिंग कर रहा था उसमें मैंने इतनी अच्छी गेंदबाजी कराई थी, 30 रनों का पहले मैं बैटिंग किया, उसके बाद क्या बताऊँ मैं। अब ड्यू रिकॉर्डर का, और यहाँ पे बेंगलोर जीत चुकी है, पिछले वाले मैच में हम लोग जीते थे, इस टाइम बेंगलोर जीत चुकी है, विराट कोहली की टीम, यहाँ पे बेंगलोर जीतता हुआ सुपर ओवर, यहाँ पे हैंडशेक जो कि इस टाइम इग्नोर करें, अवॉइड करें, कोरोना वायरस हो सकता है आपको, घर में रहें और हमारे वीडियोस को सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें, और मैन ऑफ द मैच बनते हुए पार्थिव पटेल। इसी के साथ होगी हमारी वीडियो की समाप्ति, प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।